रविशंकर चतुर्वेदी जी आए और अपना काव्य पाठ करें। मैं सबसे पहले स्वर्गीय देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, उसके बाद यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय वरिष्ठ जनों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं कोई भूमिका नहीं बनाऊंगा, मैं अपने परिचय दूंगा। चार पंक्ति में यदि हमारा परिचय मिल जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं किसी के दिल का अनुमान नहीं लिखता, मैं किसी के दिल का अनुमान नहीं लिखता, मैं अपने देश का सम्मान लिखता हूँ। मैं किसी झूठ फरे का गान नहीं लिखता, मैं किसी झूठ फरे का गान नहीं लिखता, मैं सत्य से चरित स्वाभिमान लिखता हूँ, मैं सत्य से चरित स्वाभिमान लिखता हूँ। मैं दीनों की दीन दशा भूखों की भूख प्यास लिखता हूँ। मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं, एक लेखक हूँ, इसीलिए कविता में अन्नदाता किसान लिखता हूँ। चार पंक्ति, एक हमारी कविता छोटी सी है, चार मिनट टाइम लगी, ज्यादा नहीं। तो कविता है, ये आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, इससे संबंधित और स्थिति और परिस्थिति पर कि आडंबर गैरों को अपना कर निज धर्म संस्कृत को भूल गए जैसे बादल राह बदल कर बागानों में बरसना भूल गए, जैसे बादल राह बदल कर बागानों में बरसना भूल गए। नव बधू के हाथों के सारे कंगन ही अब टूट गए, शांति वार्ता वाले सारे बंधन ही अब टूट गए। छुट गई राजनीति संघर्षों की कहानी उजड़ गई, और निज राजनीति के चिंता में सब देश नीति सब भूल गए। संदेश वाहक सारे अब खज निकृष्ट हो गए, शास्त्री की शालीनता और गांधी की अहिंसा भूल गए। आडंबर गैरों को अपना कर निज धर्म संस्कृत को भूल गए। दो पंडाल है, सरासन की डोर टूट गई, सारे तीर अब रूठ गए, सरासन की डोर टूट गई, सारे तीर अब रूठ गए। अम्बल गरज गरज कहता है, सत्य वृक्ष सब टूट गए। स्वार्थ सिद्धि की लालच में सब आजाद भगत को भूल गए, विश्व गुरु बनना है भारत को, पश्चात संस्कृत में झूल गए। दो पंक्ति युवाओं के लिए, यहाँ हमारे युवा भाई बहुत हैं, कि उठा दो आसमां तक अपनी बाहें, जहां में अभी किरदार अधूरा है, जगा दो समुंदर की सोती लहरें, कि सोने का अभी ख्वाब अधूरा है। एक छोटा सा पंक्ति इसी से जुड़ा हुआ, फिर अपने स्थान देता हूं, कि शांति दूत षड्यंत्र करे तब राजनीति भी कटु लगती है। जब षड्यंत्रों में आ जाए शांति वाले, या कि जो सदाचार या सेवा के प्रति होते हैं सामाजिक व्यक्ति, यदि राजनीति से जुड़ जाए तो राजनीति कटु लगती है। कि शांति दूत षड्यंत्र करे तब राजनीति भी कटु हो जाती है, और कटुता से सारे लेख छपे तो लेखनी भी शर्म से झुक जाती है। साधक प्रणाम, आप सबको जोरदार तालियां रविशंकर चतुर्वेदी जी के लिए।